बारे में। तो इससे पहले जैसा कि मैं आपको एंजाइम के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कुछ बेसिक काइनेटिक्स के ऊपर, तो आज हम बात करने वाले हैं एंजाइम के मैकेनिज्म के ऊपर और काइनेटिक्स के ऊपर। सो बहुत सी चीज़ें ध्यान से देखने की कोशिश करना। कोई एनालॉजी, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में एनालॉजी बताई थी, वही एनालॉजी यहाँ पर भी यूज़ होगा कि ये देखिए, ये है आप क्या, ये है लर्नर, एक स्टूडेंट। ये स्टूडेंट एक इसको पीएचडी पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत एक पहाड़ चढ़ के जाना पड़ रहा था, ठीक है। ये है पीएचडी, ये है पीएचडी और यहाँ पे स्टूडेंट है, इतना पहाड़ कर चढ़ के जा रहा था। अब जाने के बाद जो है ये चल रहा था, काफ़ी परेशान हो गया, कई लोग चढ़ पा रहे हैं, कई लोग नहीं चढ़ पा रहे थे, तो मेरे को बताया, तो मैंने कहा चिंता मत करिए, प्रबंध करते हैं हम कुछ हम, तो मैंने प्रबंध किया। मैंने कहा कि आपको इतना चढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं एक ऐसा छोटा सा पहाड़ बना रहा हूँ जो ऐसे करके ही आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। तो बच्चे खुश, क्योंकि उनकी जो एनर्जी यहाँ तक वेस्ट हो रही थी चढ़ने में, वो मैंने रिड्यूस करा दी। आपको अब इतना ऊंचा पहाड़ नहीं चढ़ना, आप आराम से इस पर चलते हुए यहाँ तक पहुँच सकते हो। तो एक सब्स्ट्रेट से यहाँ पे हमने क्या किया कि उसको प्रोडक्ट तक इस तरीके से ले आए। अब आगे बच्चे की चलो यार सही अच्छी बात है, और ये काम कौन किया था, ये काम किया था एक टीचर, एक एंजाइम। तो ये आपके लाइफ में एंजाइम जो होता है वो एक टीचर की तरह होता है, कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इट डज नॉट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, इट डज नॉट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, अपने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा बहुत ज़्यादा, लेकिन ये क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। कैसे, ड्यूरिंग द बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू द सबस्ट्रेट, यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और जब ये एनर्जी रिलीज होती है तो इसी को यूटिलाइज करता है, ये क्या करता है, इसी को यूटिलाइज करेगा और दे देगा सबस्ट्रेट को, जो कि आप क्या करेंगे, इसको एनर्जी को कम कर सकते हैं, ठीक है। लाइक एग्जैक्टली एंजाइम और सबस्ट्रेट का पंगा यही हो रहा होता है। एक सबस्ट्रेट इतने एनर्जी में बाद कन्वर्ट होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन क्या हो रहा था कि अब एक एंजाइम आता है, कहता नहीं इतने नहीं जाना, यहीं से काम हो जाएगा। तो जो पहले टोटल एक्टिवेशन एनर्जी जो थी इतनी लग रही थी, उसको रिड्यूस करके इसने बस इतनी कर दिया, ठीक है। पहले इतना एनर्जी लग रहा था, बाद में इतना लगा, और ये जो है ये टोटल चेंज इन द एक्टिवेशन एनर्जी, जितना एक्टिवेशन एनर्जी कम हुआ वो आपका ये हो गया। अब कोई भी काइनेटिक्स जो होता है कि यानी कोई भी, जैसा मैंने अभी आपको रेट के बारे में बात करी थी, काइनेटिक्स के बारे में बात करी थी, वेलोसिटी के बारे में बात करी थी, कि कितने रेट से ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहा होगा, इसकी कोई ना कोई रेट होगा, कोई ना कोई वेलोसिटी होगा, जिसको हमने डिफाइन किया था कि रेट और वेलोसिटी को माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट पर मिनट। ये डिफाइन किया गया था कि कोई भी पर्टिकुलर एंजाइम कितने रेट से कितने माइक्रोमोल सबस्ट्रेट पर मिनट में कन्वर्ट कर रहा है, यही तो रेट होता है ना, पर मिनट, एक मिनट में कितना वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर दे रहा है प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे कोई भी एक सबस्ट्रेट जो होता है वो बाइंड करता है एंजाइम से, और वो फिर बनाता है एक बीच का इंटरमीडिएट स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट, अभी मैं उस डायग्राम को भी दिखाऊंगा, दैट इज ई एस, और ये फिर टूटता है आपके एंजाइम प्लस प्रोडक्ट पे। ये फॉरवर्ड रिएक्शन होता है के वन, ये होता है के माइनस वन, और ये होता है के टू, बिकॉज ये फॉरवर्ड, ए बैकवर्ड, ए के टू, ये पहला स्टेप है और ये दूसरा स्टेप है। दिस इज अ रेट लिमिटिंग स्टेप, यही स्टेप जो होता है वो रेट लिमिटिंग होता है, रेट लिमिटिंग स्टेप में यही आपका इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर केस में जब भी आप देखें आपकी जिंदगी में इस सबस्ट्रेट से इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कौन काम आया है, कौन काम आएगा, एक एजुकेटर, एक एजुकेटर, ई का मतलब एजुकेटर, ई का मतलब एंजाइम, कौन एजुकेटर, वीरेंद्र सिंह, ठीक है। तो ध्यान देना, क्यों बता रहा हूँ कि एंजाइम काइनेटिक्स में हमेशा जो ग्राफ होता है वो वेलोसिटी वर्सेस एस, दैट वीरेंद्र सिंह, मतलब वेलोसिटी वर्सेस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, दैट एनालॉजी इज ओनली देयर, ये बनेगा हाइपरबोलिक, ठीक है,
हाइपरबोलिक, यही ग्राफ आता है कि कितना रेट, जो वेलोसिटी को जब हम वी से रिप्रेजेंट करें तो वो सबस्ट्रेट कितना, सबस्ट्रेट ज़्यादा है किसके ऊपर, इस तरीके से चलता रहता है। सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, एक ऐसा लेवल आएगा जब सारे के सारे एक्टिव साइट एंजाइम के फुलफिल हो जाएंगे। जब फुलफिल हो जाएंगे तो उसके बाद रेट नहीं बढ़ेगा और सेचूरेट हो जाएगा, और उसको बोलेंगे हम मैक्सिमम वेलोसिटी, वी मैक्स, जहाँ पे ग्राफ जो है सेचूरेट हो गया। अब वी मैक्स का आधा जहां पे पाया जाता है, दैट इज वी मैक्स बाई टू, किसी एक सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे, किसी एक सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे जहां पे वेलोसिटी आधी रही होगी, उसके बाद किसी एक पे वो लगभग लगभग मैक्सिमम पहुंच रही होगी, जिस पे वो आधी रहती है वही सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन केएम कहलाता है। दैट द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जिसपे वी मैक्स अपनी आधी रह जाए उसी को हम केएम बोलते हैं। सो दे आर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर, एक होता है के एम क्या है और वी मैक्स क्या है, ठीक है, विल डिस्कस अबाउट इट। तो इस रिएक्शन के ऊपर कई सारे लोगों ने काम किया था, कई सारे अप्रोच दिए गए, उस पर बात की गई। इस रिएक्शन को, इस चीज़ को बताने के लिए दो अप्रोच आए, एक माइकलिस मेंसन अप्रोच था, एक ब्रिक्स एंड हल्डाने अप्रोच था, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरे डेरिवेशन पे नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ आपको बेसिक्स बताऊँगा, मतलब एक फंडामेंटल्स बताऊँगा। माइकलिस मेंसन जो थे ये इक्विलिब्रियम अप्रोच पे काम करते थे, जबकि स्टेडी स्टेट अप्रोच पे काम करने वाले थे ब्रिक्स एंड हल्डाने। ये क्या दोनों हैं इस पे हम बात करते हैं। तो चलिए पहले देखिए एनर्जी प्रोफाइल के बारे में। जैसा आपको बताया कि इसमें एक इंटरमीडिएट, एक ट्रांजिशन स्टेट बनता था, एक एंजाइम सबस्ट्रेट एक्चुअल में जो हम इस तरीके से देखिए, पहले वो एंजाइम सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था। जब कोई एंजाइम आ रहा है तो एक्चुअल वो कैसा दिखता है, वो ऐसे दिखता है, ES कॉम्प्लेक्स, फिर ट्रांजिशन स्टेट, फिर EP, फिर प्रोडक्ट, और इस तरीके से वो एनर्जी को रिड्यूस करता है। तो एक एंजाइम सबस्ट्रेट ES बनाता है, फिर E+B बनाता है। सबस्ट्रेट बाइंडिंग ये स्टेप है और कैटालिटिक जो स्टेप होता है ये होता है। इसी वजह से ये स्टेप जो होता है दैट इज रेट डिटरमाइनिंग, K2 वाला रेट डिटरमाइनिंग होता है। एनर्जी के ऊपर अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा एनर्जी सबस्ट्रेट, फिर ES कॉम्प्लेक्स, फिर EP, फिर प्रोडक्ट, इस तरीके से जो होते हैं एनर्जी का ऑर्डर होता है। ES बाइंडिंग एनर्जी लोअर्स डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज जरूर हो जाता है एंड एक्टिवेशन एनर्जी को कम जरूर किया जाता है। दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल। लेट्स सी, अब थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं। तो जो मैंने दो अप्रोच बताए थे किस काइनेटिक्स को बताने के लिए, माइकलिस मेंसन एंड ब्रिक्स एंड हल्डाने, इन्होंने माइकलिस मेंसन ने बोला कि ये जो है, मैं इक्विलिब्रियम अप्रोच पे बात करूँगा, कि ये जो रिएक्शन है एंजाइम और सबस्ट्रेट, ये जब बाइंड करता है ES बनाता है और ये टूटते हैं E+P में, ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन K1 था, बैकवर्ड रिएक्शन K-1 है और ये था K2। इन्होंने कहा, इन्होंने इस स्टेप को कंसीडर ही नहीं किया, बस रिवर्सिबल रिएक्शन से इक्विलिब्रियम के ऊपर बात कर ली, मतलब यह है E और यह है S। बोला कि यहाँ पे ES जो है वो इक्विलिब्रियम में मत रहता है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी द बैकवर्ड, K1 इज इक्वल टू E इंटू S। इसके लिए ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये हो जाएगा K1 E इंटू S एंड K-1 ES के बराबर होता है। ये था इक्विलिब्रियम अप्रोच, इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम अप्रोच। अब इसमें इन्होंने जो कैटालिटिक स्टेप है ये वाला, ये तो आपको पता था सबस्ट्रेट बाइंडिंग स्टेप है, इसमें क्या है, इसमें सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है, और कैटालिटिक कौन सा स्टेप होता है, कैटालिटिक ये स्टेप होता है। तो अब इस केस में कैटालिटिक स्टेप में जो हो जाता है कि दिस लाइक इन्होंने कंसीडर नहीं किया, इसी वजह से यहाँ पे KM प्राइम या इसको KS की बात की जाती है, दिस इज ऑल्सो नोन एज KS, दैट इज सेचुरेशन कॉन्स्टेंट, सेचुरेशन कॉन्स्टेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, जो कि एक्चुअल पैरामीटर नहीं होता। इसी वजह से हम इस माइकलिस मेंशन को यूज नहीं करते, जो कि एक्चुअल में माइकलिस मेंशन दिया हुआ था। ब्रिक्स एंड हल्डाने ने DES/DT के ऊपर बात की थी। DES/DT जो है जीरो, मतलब स्टेडी स्टेट, मतलब चेंज इन द ES इज जीरो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इक्विलिब्रियम की बात नहीं की, इन्होंने बस बोला कि चेंज जो होगा इन ES शुड बी जीरो। तो जब ये जीरो होगा तो इन्होंने यहाँ पे इक्वेशन दिया V इज इक्वल टू V मैक्स इंटू S KM प्लस S।
यहाँ पे केएम जो इन्होंने देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन और कैटालिटिक स्टेप को भी कंसिडर किया के टू, बट यहाँ पे कोई भी के टू नहीं है, यहाँ पे क्या ओनली सबस्ट्रेट बाइंडिंग था। और यहाँ पे ये देखिए ये कैटालिटिक स्टेप को भी इन्होंने इंक्लूड किया जो कि रेट डिटरमाइनिंग था, इसी वजह से ये मोर एक्यूरेट हुआ और केएम जो है आपका इस तरीके से होता है। सो केएम अब माना जाता है जब के टू जो बहुत ज़्यादा, अगर के टू इज़ वेरी वेरी लेस देन के माइनस वन, के टू बहुत कम होता है, इसलिए केएम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केएम प्राइम एंड दिस शुड बी दिस वन। और इस तरीके से हम जो है ये चीज़ें लेके चल सकते हैं। तो फाइनल इक्वेशन दिया था ब्रिक्स एंड हल्डाने ने और उसको हम माइकलस मेंसन के नाम से जानते हैं, लेकिन इक्वेशन किसका था? ब्रिक्स एंड हल्डाने ने। इक्वेशन क्या था? V इज इक्वल टू वी मैक्स एस के एम प्लस एस, ये इक्वेशन था। ठीक है, इस इक्वेशन से कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, विल सी दोज थिंग्स हम उस पर देखेंगे। इसमें कुछ पैरामीटर्स, आपने इस इक्वेशंस के ऊपर अगर बात करी हो तो इस पर कुछ पैरामीटर्स आ रहे हैं, दो पैरामीटर वी एम या वी मैक्स एंड के एम। KM is the Michaelis Menten constant. KM is the concentration of substrate which permit the enzyme to achieve half max. ये KM जो होता है वो आपके substrate concentration होता है, इसका unit भी जो होता है वो कैसा होता है, ये substrate concentration होता है जिसपे V जो होता है वो V max का half हो जाता है, unit इसका substrate यानी gram per liter या substrate के equivalent होता है। जबकि V max is the maximal velocity and it is known as K2 into E naught. E naught is the initial enzyme. Initial जो free enzyme होता है वो ही E naught है। और K2 is known as K cat, that is also known as turnover number, also known as molecular activity. कुछ कुछ चीज़ें जो हैं आपको याद आ रही होंगी पिछले क्लास में जिसमें आपको इसकी बात की गई थी। K cat is a turnover number or molecular activity that product made per enzyme per unit time. KM is the substrate concentration when V is the half of Vmax. K cat is turnover number Vmax by ET and specific activity at catalytic efficiency K cat by KM. ठीक है, so पिछले हिस्से की कुछ बात करें और कुछ चीज़ों को कंपेयर करें तो आपको मजा आएगा। ये चीज़ मैंने आपसे बात किया हुआ था, एक्टिविटी, स्पेसिफिक एक्टिविटी एंड मॉलिकुलर एक्टिविटी। एक्टिविटी इज समथिंग जो कि आपका माइक्रोमोल पर मिनट था, स्पेसिफिक एक्टिविटी माइक्रोमोल पर मिनट पर एम जी एंजाइम एंड मॉलिकुलर एक्टिविटी माइक्रोमोल पर मिनट पर, ये जो कि टर्नओवर नंबर बताया गया था। ठीक है, यही चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा चीज़ों पे ध्यान देना। अब इन चीज़ों पे जब हम बात करते हैं तो वेरी सिंपल थिंग कि यहाँ पे देखिएगा के एम इज ऑल्सो, लेट मी टेल यू, के एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अफिनिटी। के एम अफिनिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है, जितना अफिनिटी जितना के एम ज़्यादा उतनी ही कम अफिनिटी। ठीक है, तो के कैट को वी मैक्स बाई ई टी से कैलकुलेट किया जा सकता है या दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, देखिएगा कैलकुलेट करने का या टर्म बोलने का अलग अलग फॉर्मूला। जब हम काइनेटिक्स की बात करते हैं और नॉर्मल बात करते हैं तो अलग अलग चीज़ें आती हैं। काइनेटिक्स में आता है जब रेट बोला जाएगा, के कैट बोला जाएगा या टर्न ओवर नंबर बोला जाएगा या उसके बाद यहां पे कैटेलिटिक इफिशियंसी बोला जाएगा, कैटेलिटिक इफिशियंसी बोला जाएगा। रेट कैलकुलेट करने का यहां पे दो जो इक्वेशन होता है दैट इज वी मैक्स इनटू एस दैट के एम प्लस एस। के कैट कैलकुलेट करने का होता है वी मैक्स अपॉन ई नॉट एंड कैटेलिटिक इफिशियंसी दैट के कैट अपॉन के एम। दिस इज द काइनेटिक्स पार्ट। ये नॉर्मली इक्वल होता है किन किन चीजों पे, चलिए उस पर बात करते हैं। जब ये नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर बात करते हैं तो रेट इज इक्वल टू द एक्टिविटी दैट शुड बी कैलकुलेटेड एज माइक्रोमोल पर मिनट। नाउ अगर हम बात करते हैं दिस के कैट, अगर के कैट के ऊपर बात करें तो दिस इज मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी दैट शुड बी एक्टिविटी डिवाइडेड बाय माइक्रोमोल ऑफ एंजाइम। यहां पे जो ई नॉट है किसमें रखेंगे, माइक्रोमोल में रखेंगे। वी मैक्स किसमें रखेंगे, माइक्रोमोल पर मिनट में रखेंगे।
तो देखिए वही तो है एक्टिविटी माई, ये वी नॉट और वही चीज़ है दैट कैटेलिटिक स्पेसिफिक, कैटेलिटिक इज शुड बी द स्पेसिफिक एक्टिविटी, ये जो है स्पेसिफिक एक्टिविटी के बराबर हो जाएगा, दैट इज एक्टिविटी डिवाइडेड बाय प्रोटीन इन एमजी। ठीक है, तो ये जो ध्यान होता है ये ध्यान रखना कि ये इक्वली होते हैं, ये सारे के सारे जो है ना इक्वल होते हैं, जो यहाँ पे बताया गया दिस इक्वल, हर एक टर्म को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है काइनेटिक्स के फॉर्म में, इस तरीके से, इस फॉर्म में, इस तरीके से। किसी भी एंजाइम के एफिशिएंसी की ऑर्डर, एंजाइम एफिशिएंसी अगर कभी भी आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट अबाउट एंजाइम एफिशिएंसी, एंजाइम एफिशिएंसी को अगर कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू कैलकुलेट द कैटेलिटिक एफिशिएंसी। आप कैटेलिटिक एफिशिएंसी को यूज़ कर सकते हैं, आप कैटेलिटिक एफिशिएंसी को यूज़ करिए, और यू हैव टू यूज़ स्पेसिफिक एक्टिविटी, इसके अलावा और कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते आप। ठीक है, नाउ इन सब के न्यूमेरिकल, जब बायोकेमिस्ट्री या न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पे आएंगे तो वहाँ पे भी डिस्कस की जाएंगी, आपको चीज़ें बताई जाएंगी, तो वो सारे कोर्सेज भी आपको अपलोड किए जाएंगे। न्यूमेरिकल का जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पूरे कोर्स में मैं एक साथ डील करूँगा, अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा थोड़ा मैं जहाँ पे नेसेसिटी है बता रहा हूँ, बट स्टिल वो सारी चीज़ें एक साथ डील की जाएंगी। नाउ इसके अलावा जो हो जाता है, जैसा कि काइनेटिक्स का हिस्सा होता है वी मैक्स एस के एम प्लस एस, इसको थोड़ा सा और अच्छे से रिप्रेजेंट करें तो देखो कितना मजा आएगा, दिस इज वी मैक्स इंटू एस के एम प्लस एस। ये इस इक्वेशन को ध्यान रखे रहोगे, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कुछ भी तरीके से, वी और वी मैक्स का रिलेशन। इसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें, इधर को मल्टीप्लाई करो फिर करके पूरा रीअरेंज करोगे, तो सबस्ट्रेट शुड बी के एम V अपॉन वी मैक्स माइनस वी, दिस वुड बी द सबस्ट्रेट वन। ये क्वेश्चन इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके आते हैं, दैट मेनी क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ पे आ जाते हैं कई अलग अलग तरीके के। नाउ जैसे आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि इफ द सबस्ट्रेट इज इक्वल टू द के एम, वॉट शुड बी द वी इन टर्म्स ऑफ वी मैक्स, तो v इज इक्वल टू वी मैक्स अगर आप यहाँ पे रखोगे, देखो सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को आपने रख दिया के एम, नीचे सबस्ट्रेट को के एम रख दिया प्लस के एम, दिस शुड बी लाइक, देखिएगा ये हो जाएगा वी मैक्स, ऊपर के एम नीचे टू के एम अपॉन टू के एम कैंसिल हो जाएगा, दैट वन अपॉन टू वी मैक्स। यही तो बताया गया कि जब सबस्ट्रेट के एम के बराबर होगा तो हाफ ऑफ द वी मैक्स आ जाएगा भाई, और बताया क्या गया था इसको अलग अलग तरीके से। अगर एक क्वेश्चन में पूछा गया सबस्ट्रेट इज इक्वल टू द टू के एम, वॉट शुड बी द वी नॉट इन द टर्म ऑफ वी मैक्स, अगेन यू कैन यूज द फॉर्मूला हियर, अगेन वी मैक्स तो रहेगा रहेगा, ऊपर रखो टू के एम डिवाइडेड बाई टू प्लस वन के एम आएगा नीचे भी, मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, दैट टू अपॉन थ्री वी मैक्स, इसको अगर पॉइंट में ले जाओगे 0.67 वी मैक्स। सिमिलरली जब अब इस तरीके इस पे देखोगे कि अगर v जो है वो आपके दैट v जो है v max का 0.5 हो तो क्या होगा, देखिएगा v जब 0.5 ऑफ द v max है तो सबस्ट्रेट क्या होगा km के टर्म में, अगेन देखिएगा सबस्ट्रेट km एज इट इज रहने दो, इसको रखो 0.5, इसको रखो 1, इसको रखो 0.5, ये देखिए अल्टीमेटली इससे 0.5 बचेगा, पूरा कैंसिल, सबस्ट्रेट इज इक्वल टू km। यू कैन पुट द थिंग्स, काइनेटिक्स के क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक्सिस हमेशा ध्यान रखना दैट शुड बी एस और वी, हाइपरबोलिक कर्व, इसका नेचर कैसा है हाइपरबोलिक। ठीक है, तो ग्राफ के ऊपर जब हम बात करते हैं तो दीज आर द ग्राफ, के एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अफिनिटी, जो आपको बताया गया था हाइपरबोलिक ग्राफ है, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, हाइपरबोलिक ग्राफ है, वी मैक्स यहाँ से अचीव कर सकते हैं, ये है यहाँ पे वी वर्सेस एस का ग्राफ होता है, एंड दिस वुड बी द के एम वेट इज सबस्ट्रेट के इक्वल होता है, दिस इज वी मैक्स बाई टू, यहाँ पे वी मैक्स बाई टू है, वी मैक्स बाई टू पे ये वैल्यू इस तरीके से सबस्ट्रेट की तरफ रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एंड ये है पूरा काइनेटिक्स का इक्वेशन जो कि आपको बताया गया है, और चीज़ों को ध्यान रखे रहिएगा। काइनेटिक्स जो होता है ऑलरेडी बता दिया गया, रेट लिमिटिंग कौन है, हाइपरबोलिक कौन है, क्या सारी चीज़ें चल रही हैं।
अब इसमें सवाल उठ जाता है, देयर इज लाइक कि सम लिमिटेशंस ऑफ ब्रिग्स एंड हल्डाने और माइकलिस मेसन इक्वेशन, बिकॉज दिस कर्व, ये जो कर्व है ना, ये कहाँ मिलेगा, मीट एट इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव पे मिलेगा, दिस कर्व मीट्स एट इन्फिनिटिव। जब इन्फिनिटिव पे मिलेगा तो आपको वी मैक्स एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते, कैन नॉट कैलकुलेट, कैन नॉट कैलकुलेट वी मैक्स एक्यूरेटली, एक्यूरेटली नहीं कर पाओगे। जब वी मैक्स नहीं कर पाओगे तो क्या वी मैक्स बाई टू कैलकुलेट कर पाओगे, नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट नहीं होगा। जब एक्यूरेट नहीं होगा तो केएम कैसे पता चलेगा कि एक्यूरेट केएम क्या होगा, तो दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ केएम। एंड ज़्यादातर वैल्यूज इसके यहाँ पे अगर एक्सपेरिमेंटल करोगे तो यू विल गेट मोर ऑफ द वैल्यूज हियर एंड लेस वैल्यूज हियर, तो ये भी चीज़ों को थोड़ा सा अरेंज करना होता है कि यार ऐसे कैसे हो रहा है। तब इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए देर इज़ अ रेसिप्रोकल प्लॉट, और सबसे पहले शुरुआत किया था लिन वेवर बर्क ने, इस माइकलिस मेंसन इक्वेशन को उल्टा कर दिया। इस पर्टिकुलरली इक्वेशन को जब उल्टा करोगे ना, देखो ये हो जाएगा v को करोगे तो नीचे आएगा तो 1 अपॉन v, और ऊपर हो जाएगा km plus s, और नीचे आ जाएगा vm into s। जब इसको ये नीचे का मल्टीप्लीकेशन में, तो एक बार km के साथ एक बार s के साथ रखो, km अपॉन v में m into s plus s अपॉन vm into s, s s कैंसिल हो जाएगा, इसको 1 अपॉन s को इधर कर दोगे तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ एल बी प्लॉट। है क्या कुछ नहीं था और आपको मिल गया ये एल बी प्लॉट का इक्वेशन, 1 अपॉन v इज इक्वल टू km अपॉन v max into 1 अपॉन s एंड 1 अपॉन v max। व्हेन यू सी दिस पर्टिकुलर ग्राफ इट इज वेरी इक्वल टू द y इज इक्वल टू m into x प्लस c, दैट इज द स्ट्रेट लाइन। ये जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और इसी को ये फॉलो कर रहा है। जब फॉलो करेगा y की एक्सिस पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन v, और x एक्सिस पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन s, एंड स्लोप जो होगा m दैट शुड बी km अपॉन v max, एंड इंटरसेप्ट, एंड दिस इज y इंटरसेप्ट जो है, ये y इंटरसेप्ट है और ये हो जाएगा 1 अपॉन v max, एंड दैट x इंटरसेप्ट 1 अपॉन km। द ग्राफ शुड बी लाइक दिस, ग्राफ जो आपको मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, दिस इज के एम अपॉन वी मैक्स स्लोप, दिस इज वाई इंटरसेप्ट 1 अपॉन वी मैक्स, एंड दिस इज एक्स इंटरसेप्ट माइनस 1 अपॉन के एम, 1 अपॉन वी वर्सेज 1 अपॉन एस, ये जो ग्राफ यहाँ पे चलेगा। इसी तरीके से कई और साइंटिस्ट आए जिन्होंने ग्राफ के बारे में जानकारी दी, ठीक है। तो लिन वेवर बर्क प्लॉट पे अगर आप देखोगे तो दिस इज लिन वेवर बर्क प्लॉट, के एम अपॉन वी मैक्स दैट इज द स्लोप, ठीक है। अब इसके बाद ये है ये वाई इंटरसेप्ट जो आपको दिखाया जा रहा है 1 अपॉन वी मैक्स, इसमें कई सारी चीज़ें चल रही होती है, वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, 1 अपॉन एस, 1 अपॉन सी। जब ये वैल्यू अगर आप देखोगे इस वैल्यू पे 1 अपॉन वी मैक्स कब मिल रहा है, 1 अपॉन वी टेंस टू 1 अपॉन वी मैक्स, कब, जब 1 अपॉन एस जीरो हो रहा है। देखो 1 अपॉन s जब 0 है, इस पे 1 अपॉन s तो 0 होगा ना, x एक्सिस यहाँ पे 0 होगा, तभी तो ये 1 अपॉन v 1 अपॉन x की तरह। जैसे जैसे ये वैल्यू इधर की तरफ से 0 आया, यहाँ से घटते 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 यहाँ पे ये इतना हो गया। और ये देखिए अब ये ऊपर से जैसे 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 नीचे आ रहा है, यानी कि जब 1 अपॉन s शुड बी माइनस 1 अपॉन km व्हेन 1 अपॉन v 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन इट इज इक्वल टू 0। जब ये वैल्यू जो है आपके जीरो हो गई, देखो इस एक्सिस पे ये जीरो हो जाएगा, वाई एक्सिस जीरो हो जाएगा, तो ये आपका एक्स इंटरसेप्ट मिल गया और ये 1 अपॉन के एम के बराबर हो गया। तो कई बार आपको तीन अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस दिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपको स्लोप कैलकुलेट करना रहेगा, और किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, दैट वाई इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाई एक्स इंटरसेप्ट, ये कर सकते हो, या स्लोप कैन बी कैलकुलेटेड एज y2 टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। वॉट यू हैव टू डू हियर कि आप दो डेटा को पकड़ो, यहां पे आपने दो डेटा लिया, इसको इस तरीके से y एक्सिस पे लेके जाओ और इसी को x एक्सिस पे लेके आओ, ठीक है। इसी को क्या करना है, इसी को x एक्सिस पे लेके आना है, दोनों को आराम से इस तरीके से लेके,
जब इस तरीके से आपने एक्स और वाई एक्सिस पे किया तो यू विल गेट द इंफॉर्मेशन कि अच्छा ऐसे हो रहा है। एक्स एक्सिस पे जो लार्जर वैल्यू होगी उसको एक्स टू करो, ये है एक्स वन, यहाँ पे वाई वन वाई टू, दो डेटा आपके वाई टू, दो डेटा वाई टू वाई वन और दो एक्स वन एक्स टू मिलेंगे। इन्हीं का वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन रखोगे तो यही आ गया अगर आपका स्लोप, दैट शुड बी के एम अपॉन वी मैक्स। ये है ग्राफ को इंटरप्रेट करने का। अगर आपके पास ग्राफ है तो पहला मेथड, दूसरा मेथड है अगर आपके पास इस तरीके का डेटा दिया रहा है कि वन अपॉन जीरो, वन अपॉन वी इज इक्वल टू वी मैक्स, अगर वन अपॉन वी की वैल्यू दी है वन अपॉन एस इज जीरो तो ये वैल्यू वन अपॉन वी मैक्स का हो जाएगा, अगर वन अपॉन जीरो की वैल्यू दी है तो ये हो जाएगा। तो पहला मेथड जो होता है दैट शुड बी ग्राफ। सेकेंड मेथड होता है वन अपॉन वी जो है वो जीरो किया होगा और वन अपॉन एस जीरो किया होगा तो इस पे आपका के एम और वी मैक्स निकलेगा। तीसरा जो होता है दैट शुड बी टेबल। हाउ कैन यू सॉल्व द टेबल? आपके पास क्या होता है कि अगर वी का टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ कुछ डेटा दिया रहेगा एंड उसके साथ साथ एस का टेबल दिया रहेगा। अब इस पे वन अपॉन वी का टेबल बना हुआ, कैलकुलेट करो, वन अपॉन एस का टेबल कैलकुलेट करो। इसमें एक वैल्यू को वन अपॉन वी, एज यू नो दैट वाई एक्सिस एंड वन अपॉन एस इज एक्स एक्सिस, तो वन वैल्यू शुड बी वाई वन एंड वन इज वाई टू। जनरली फाइनल और इनिशियल वैल्यू को ले लीजिए और इसी तरीके से आप क्या करिए कि एक्स में भी एक वैल्यू एक्स वन एक वैल्यू एक्स टू हो जाएगा। अब अगेन वही फॉर्मूला, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। तो दिस अगेन वन इज टेबल वन। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल को वन वर्सेज वी एंड वन वर्सेज एस कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ग्राफ में स्लोप का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यू कैन कैलकुलेट द लिनवेरबर्ग प्लॉट इन दिस वेज। नाउ इसके बाद आता है हैंस वुल्फ प्लॉट। लिनवेयरबर्ग प्लॉट जो आपको पता था उसी में अगर आप एस का मल्टीप्लाई कर देते तो आपको ये हो जाता, ठीक है। हैंस वुल्फ प्लॉट कैसे निकलता है, मल्टीप्लाई एस टू एल बी इक्वेशन। डेरिवेशन आप आराम से कर सकते हो, देखो बहुत सीधा सा है। जब आपके पास वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन के एम अपॉन वी एम इंटू वन अपॉन एस प्लस वन अपॉन वी एम, इसमें ऊपर एस का मल्टीप्लाई करो, इधर करोगे तो देखो ये जो है एस अपॉन वी हो जाएगा, ये हो जाएगा एस अपॉन वी एम, और इसमें करोगे एस अपॉन वी एम में तो ये एस एस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा के एम प्लस वी मैक्स। वेरी सिंपल है, कुछ था ही नहीं इसमें। यहाँ पे अगेन ये स्ट्रेट लाइन वाई, इसमें एस इज द एक्स एक्सिस, वन अपॉन वी मैक्स इज दिस पर्टिकुलर स्लोप। यहाँ पे जो अगर आप देखोगे तो स्लोप जो है ये आ जाएगा, स्लोप है m इंटू एक्स प्लस सी। इट इज एग्जैक्टली एल बी इक्वेशन से स्लोप एंड इंटरसेप्ट जो होते हैं वो चेंज हो गया, इंटरचेंज हो गया। जो पहले एल बी इक्वेशन में स्लोप था के एम अपॉन वी मैक्स, अब वो इंटरसेप्ट हो गया और उसका जो इंटरसेप्ट था अब वो स्लोप हो गया। That is the thing here. यहाँ पे वो m की वैल्यू ये थी, यहाँ पे इंटरसेप्ट हो गया, यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू ये थी, वो स्लोप हो गया। That's interchange हुआ है बस। जब इंटरचेंज हुआ है तो देखो km upon v max should be the y intercept and 1 upon v max should be the slope. कैसे कैलकुलेट करना है, अगेन यू नो दैट। मैंने जैसे एल बी प्लॉट बताया वैसे ये सारी चीज़ें आपको दिया रहेगा, आप टेबल कैलकुलेट करोगे दो वैल्यू को। यहाँ पे जैसे इस तरीके से अगर ग्राफ है तो ऐसे रख लो, टेबल है तो टेबल पे कैलकुलेट कर लो, एक को एक्स वन एक को एक्स टू कर लो और इस तरीके से एक को वाई वन और एक को वाई टू कर लो, यू विल गेट द थिंग्स। स्लोप शुड बी वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स फोर, यह आ जाएगा। सो दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट। और यहाँ पे ये है आपका एक्स इंटरसेप्ट, हैंस वुल्फ प्लॉट ही है। अब एल बी प्लॉट से ही आप ई डी हॉप्स निकाल सकते हो। जो एल बी प्लॉट था अगेन माइकलिस मेंशन का प्लॉट था, वी इज इक्वल टू वी एम इंटू एम एस के एम प्लस एस, इसी से आपने वन अपॉन वी इज इक्वल टू के एम अपॉन वी एम इंटू वन अपॉन एस डिवाइडेड बाई वन अपॉन वी एम, ये रखा था एल बी। इससे आपने निकाला था एस अपॉन वी, इसके बाद आ गया था वन अपॉन वी एम इंटू एस प्लस वी एम अपॉन के एम, ये था, ये आपका माइकलिस मेंशन है, ये आपका एल बी था, ये आपका हैंस वुल्फ था और इसी के साथ ई डी हॉप्सी आता है। ई डी हॉप्सी इक्वेशन हियर इज गिवन दैट इज वी इज इक्वल टू वी एम माइनस के एम वी अपॉन एस।
ठीक है, यहां पे इसमें से इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, इसको गेट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई वी इंटू वी एम, ये करना पड़ेगा। इसको करने के लिए आपने एस मल्टीप्लाई किया था, तो दिस विल गेट, यू विल आफ्टर रीअरेंजिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन यू विल गेट वी एस, और ये इक्वेशन पूरा मिलेगा। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये वाई इज इक्वल टू सी माइनस एम इंटू एक्स, ये स्लोप जो है नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव होता है, स्लोप इज नेगेटिव, नेगेटिव जो है वो आपका स्लोप आ रहा है। वाई इंटरसेप्ट इज वी एम आ जाता है, ये आपको वी एम इंटरसेप्ट है, स्लोप आप देखेंगे नेगेटिव के एम चल रहा है, और वी एम अपॉन के एम शुड बी द वी अपॉन एस, ये आपका सारा का सारा केस बनेगा। सो इस तरीके की चीज़ें जो है आपको मिलती रहेंगी और आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द काइनेटिक्स, ये जो है काइनेटिक्स का हिस्सा रहा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बताते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। बाय बाय, टेक केयर।